माँ कात्यायनी का नवरात्र का छठा दिन है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम है कात्यायनी। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाले साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों के सहज भाव से माँ के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। यह अपने प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनकी चार भुजाएं भक्तों को वरदान देती है। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा वरद मुद्रा में है। अन्य हाथों में तलवार और कमल का फूल है। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की सभी प्रकार से विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए, फिर माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए और साधना में बैठना चाहिए। इस प्रकार जो साधक प्रयास करते हैं उन्हें भगवती कात्यायनी सभी प्रकार के भय से मुक्त करती है। माँ कात्यायनी की भक्ति से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा की विधि शुरू करने पर हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम कर देवी के मंत्र का ध्यान करना चाहिए। देवी की पूजा के पश्चात महादेव और परमपिता की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि की पूजा से देवी लक्ष्मी भी खुश होती हैं, इसलिए देवी लक्ष्मी की भी श्री हरि के साथ ही पूजा करनी चाहिए।